बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। अगर महबूब को काबू में करना चाहते हैं, मुट्ठी में करना चाहते हैं, रात 12 से 1 के दरमियान, ये बहुत ख़ास वक्त है। और इस वक्त में अगर आपने ये अमल कर लिया इस पूरे घंटे में, यानी जो 60 मिनट हैं 12 से 1 के दरमियान में, ये 60 मिनट 59 मिनट ऐसे हैं कि इस मिनट के अंदर 1 मिनट ऐसा है कि अगर उस मिनट के अंदर आपका ये अमल चलता गया तो आपका महबूब हमेशा के लिए आपके कदमों में आ जाएगा, आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। ये ख़ास वक्त दे रहा हूँ, और ये ख़ास वक्त ऐसा है कि इस वक्त के अंदर मोहब्बत के हवाले में जो वज़ाइफ़ करते हैं वो कबूल भी होते हैं। और एक इंशाल्लाह सिलसिला, बहुत सारे मुझे लोग कहते हैं कि मुझसे कि आप दुआ करते हैं, माशाल्लाह दुआ कबूल भी होती है, हमें फ़ायदा भी होता है। तो आप हमें ऐसा स्पेशल कोई टाइम बताएं कि जिस वक्त हम दुआ किया करें। तो आप अपनी वीडियो में रोज़ाना का एक टाइम ज़रूर बताया करें ताकि उस खास वक्त में, या हम आपकी वो दुआ वाली वीडियो देख लें। तो इंशाल्लाह 10 मुहर्रम के बाद ये एक ऐसा सिलसिला शुरू करेंगे कि मैं आपको एक ख़ास वक्त देख के कि आज का ख़ास टाइम कौन सा है, कौन सा घंटा ऐसा है कि जिसके अंदर आप जो दुआ करेंगे आपकी दुआ कबूल होगी, मोहब्बत का वजीफ़ा करेंगे फ़ायदा होगा, दौलत का वजीफ़ा बनाएंगे फ़ायदा होगा, हाजत मुराद चाहेंगे पूरी होगी। तो ये एक सिलसिला मैं इंशाल्लाह शुरू करूँगा, उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह 10 मुहर्रम के बाद आप ये चीज़ भी ज़रूर देखेंगे। तो ये अमल इस ख़ास वक्त के अंदर है। क्यों मुझे इस ख़ास वक्त से वो चीज़ें याद आ गई कि बहुत सारे लोग कह रहे थे, तो जब मैं ये वजीफ़ा दे रहा हूँ तो दुआ का भी एक सिलसिला आपको बता दूंगा। तो अगर आपको फ़ायदा ना हुआ ना, तो फिर आप ये कह सकते हैं जाएँ जी मुफ्ती साहब आपके अमल से हमें फ़ायदा नहीं होगा, ये आप कह सकते हैं। लेकिन इसको कहने की इंशाल्लाह नौबत नहीं आएगी, क्योंकि इतना पावरफुल, मुझे इस अमल के ऊपर यकीन है, मैं अपना 100% यकीन आपको दे रहा हूँ। और अगर आप वही 100% यकीन लेते हुए इस, यानी ये जो 59 मिनट हैं, इन मिनटों में एक ऐसा मिनट है कि वो मिनट आपका इस वक्त के साथ मिलना चाहिए, तो इसलिए आपने ये पूरा एक घंटा जो है ये वजीफ़ा करना है। कैसे करना है अभी इस वीडियो के अंदर मुकम्मल तफसील शेयर करूँगा। और 7 दिन लगातार करना है, क्योंकि अगर पहले दिन आपकी वो चीज़ ना पकड़ी, दूसरे दिन कर लेंगे, तीसरे, 7 दिन में कोई दिन ऐसा होगा जिस दिन, हो सकता है आखिरी दिन हो, तीसरा दिन हो, चौथा दिन हो, लेकिन इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। लेकिन करना कैसे है इसकी मुकम्मल तफसील दूंगा, और क्या पढ़ना है ये भी मुकम्मल बताऊँगा। बस आपसे छोटी सी गुजारिश करूँगा कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ये आज की वीडियो के लिए, ख़ास वीडियो के लिए कह रहा हूँ कि इसको ख़ास इजाज़त उन लोगों के को है जो इस वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है, सबको है, लेकिन खुसूसी इजाज़त ये है। और जो लाइक करेगा उसके लिए मैं खुसूसी एक दुआ करूँगा उस टाइम के अंदर। और आपसे फिर गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, आपको हमारा चैनल पसंद आता है, आप चाहते हैं ऐसी वीडियोस आके आपको मिलती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, और इजाज़त के लिए कमेंट के अंदर आपने अल्लाह भी ज़रूर लिखना है। तो चलते हैं अपने अमल की तरफ, लेकिन उससे पहले हम दो लोगों के लिए खुसूसी तौर के ऊपर दुआ करते हैं, और आज की भी खुसूसी दुआ करेंगे, 3, 4, 5 जितने लोगों के लिए कर सकेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दुआ के अंदर शामिल करेंगे। और आपसे गुजारिश है इन दिनों के अंदर खुसूसी दुआएँ कराएँ, आगे 9-10 मुहर्रम अलहराम आ रहा है, तो उसमें आपकी दुआ हो सकती है, उस दिन के अंदर कोई पढ़ के आपकी दुआ पर अमीन के, अल्लाह ताला आपकी बिगड़ियों को बना दे, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा फरमा दे, अल्लाह ताला आपका महबूब आपको नसीब फरमा दे, अल्लाह आपका प्यार आपके नसीबों के अंदर लिख दे, अल्लाह आपके रिज़्क में, रोज़ी में, माल में, औलाद में, कारोबार में, रिज़्क में बरकतें अता फरमा दे, अल्लाह आपके घर में रहमत की बारिश नाज़िल फरमा दे, रिज़्क रोज़ी की बारिश नाज़िल फरमा दे। तो इन दिनों में ख़ास अपने लिए दुआएँ ज़रूर पाएँ, अपना नाम और मकसद कमेंट के अंदर लिखें। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए दुआएँ किए, सिर्फ कमेंट लेने के लिए नहीं होता, मैं रोज़ाना दुआएँ करता हूँ एक एक बंदे के लिए हाथ, ये नहीं है कि 4 बंदों के लिए पढ़ के दुआ की, एक एक बंदे के लिए हाथ उठा के दुआ करता हूँ, ये आसान नहीं होता, लेकिन चाहता हूँ कि आप लोगों की किस्मतें बदले, आप लोगों की तकदीरें बदले, आप लोगों का, खासकर हमारी बहनों के, अल्लाह ताला जो है वो नसीबों को खोल दे, आमीन सुमामीन या रब्बुल आलमीन। तो आज की जो हमारे पास पहली दुआ है, कहती हैं कि मुझे वो अब बात नहीं कर रहे हैं, 2 महीने से पहले उन्हें शादी की बात की और अब वो बात तक नहीं करता है, बस वक्त का बहाना बना बता कर टाल देता है,
आप दुआ कीजिए कि वो बात करें। तो इनके लिए खुसूसी तौर के ऊपर दुआ है कि इनकी अपने महबूब से जो भी मसाइल हैं वो दूर हो, जल्द से जल्द वो बात करें, ख़ुद इनको कॉल बैक करें और ऐसा मोहब्बत के अंदर पागल हो जाए कि इनको यकीन भी ना आए और ये खुश भी हो जाएं और अपने महबूब के साथ शादी के बाद हमेशा हमेशा के लिए अच्छी ज़िंदगी गुजारें। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। रात सोते वक्त 786 टाइम 786 मरतबा हुवर रहमान रहीम पढ़कर तसव्वुर में तस्वीर पर उस पर दम किया करें। इंशाल्लाह 11 दिन करें, 11 दिन के अंदर अंदर वो ऐसा तड़पेगा कि खुद कहेगा चलो शादी करते हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरे हैं, कहती हैं कि कसम से आपका वजीफे ने बहुत खुशियां दी हैं, अल्लाह ने करम कर दिया। बिल्कुल सच है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। अगर किसी को डाउट है तो वो अपनी नीयत से ही रखे, अल्लाह करम करने वाला है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा रिस्पांस। और मैं अभी देख रहा हूँ और मैंने तो मुझे खुशी होगी है, इतना अच्छा रिस्पांस आया और मैं इस चीज़ पे बड़ा खुश होता हूँ, इस चीज़ पे जब कोई इतना अच्छा रिस्पांस देता है तो मेरी अंदर से खुशी फीलिंग, अभी आपको फील भी हो रही होगी, तो मेरी खुशी अंदर से फीलिंग एक आती है, अल्लाह तेरा लाख करोड़ों बार शुक्र है कि तूने मेरे ज़रिए इसका काम करवाया। और खुदा की कसम मुझे इस पर है कि अगर इसका काम हुआ है ना, मुझे अल्लाह रब्बे काबा की कसम 10 गुना बढ़ के अल्लाह मुझे देगा। और वो मुझे नज़र आता है, वो जब देता है ना तो वो नज़र आती है चीज़ मुझे। तो मैं यकीन माने कि मैं इस को पढ़ के कह रहा हूँ कि मेरा आज का मकसद हल हो चुका है। मैं आज की वीडियो जो बना रहा हूँ, मुझे अब अल्फाज नहीं मिल रहे खुशी से कि यार इतना अच्छा रिस्पांस और इतना अच्छा इन पर अल्लाह ताला ने करम किया, इतना अच्छा इनका काम हुआ। तो यही चीज़ कहता हूँ कि अगर एक चीज़ हो रही है मेरे वजीफे से, दुआओं से काम हो रहा है, तो खुदा रहा अपने लिए इस पर काम करवाएँ, कमेंट्स करें, मैसेज करें, आपके लिए दुआ करेंगे। अल्लाह ताला से इनके लिए भी दुआ है, अल्लाह ताला इनको मज़ीद खुशियाँ अता फरमाए, इतनी खुशियाँ अता फरमाए कि इनसे समेटी ना जा सके। कभी इनको अल्लाह ताला जो है वो कभी कोई परेशानी, मुसीबत, परेशानी इनको लायक ना करे। अल्लाह ताला मेरी इस बहन के इतने अच्छे नसीब कर दे कि दुनिया इनके नसीबों के ऊपर रश करे। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। तो चलते हैं, आज बहुत सारी होती हैं और ख़ुशी में मज़ीद शायद ना भी दुआ कर सकूँ, जितनी हो चुकी है इसी से ही बड़े खुशी होगी, तबीयत को खुश होगी। और चलते हैं अपने वजीफे की तरफ। और ये वजीफ़ा आपने सूरतुल हश्र है, उसकी आखिरी तीन आयात हैं जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति वर रहमानुर रहीम। वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم। अब आपने करना क्या है कि रात को 12 से के दरमियान, ट्यूजडे से शुरू नहीं करना, किसी भी रात से शुरू कर सकते हैं, ये अगला दिन शुमार होगा। यानी अगर पीर को आप कर रहे हैं तो ये फिर आपका मंगल शुरू होगा, तो उस रात नहीं करना। मंगल की रात को करेंगे तो बुध शुरू हो जाएगा, उस रात से कर लें, जुमरात की रात से कर लें, जुमे की रात से कर लें। लेकिन कोशिश करें बुध से भी ना करें, क्योंकि फिर मंगल की रात को मुकम्मल हो जाएगा। जुमरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार से शुरू, किसी दिन भी शुरू कर लें। और 12 से 1 के दरमियान आपने ये पढ़ते ही जाना है, इस दरमियान आपने चुप नहीं होना। 12 से पहले ही आपने एक तस्बीह दुरूशी पढ़ लें या 3 मरतबा दुरूशी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद पढ़ लें। उसके बाद आपने ये पढ़ना शुरू कर देना, पूरा एक घंटा आपने पढ़ते रहना, बार बार रिपीट करते रहना, खामोश नहीं होना, चुप नहीं होना, मतलब पढ़ते रहना। क्योंकि ये एक घंटा ऐसा है, अगर इस एक घंटा आपने अपनी ज़िंदगी के लिए दे दिया, हमेशा हमेशा के लिए आपका महबूब आपका हो जाएगा। और इसकी लिमिट कोई नहीं है, एक घंटे में आप जितनी मरतबा इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो ज़रूर पढ़िएगा, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। मिलते हैं फिर किसी चीज़ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।